नमस्कार, हेलो, स्वागत सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का वेलकम। हम लोग पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल टॉपिक, बायोमोलिक्यूल चैप्टर का टॉपिक लिपिड्स। तो लिपिड्स को आज हम लोग पढ़ते हैं। ओके, चलिए, लिपिड्स क्या हैं भाई? लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसोल्युबल बट गेट्स डिजॉल्व इन अ नंबर ऑफ नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन, एसीटोन एट्सेट्रा। वाटर इनसॉल्युबल है, पहली बात ध्यान रखिएगा, लेकिन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व हो जाएंगे, सच एज बेंजीन, ईथर और एसीटोन। लिपिड्स आर जनरली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किससे बने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने। इन विच कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज लेस स्मॉल कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को फिर से ध्यान से देख लीजिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने हैं। ऑक्सीजन का कंटेंट इन दोनों की तुलना में, हाइड्रोजन और कार्बन की तुलना में, ऑक्सीजन का कंटेंट लिपिड में काफ़ी कम है। लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद एन एल्कोहल। ये इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है कि लिपिड्स क्या है। लिपिड्स आर फॉर्म बाय मीन्स ऑफ एस्टरीफिकेशन ऑफ फैटी एसिड विद एन एल्कोहल। तो लिपिड्स क्या है? एस्टर्स हैं, फैटी एसिड्स के एस्टर्स हैं जो अल्कोहल के साथ बन रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सी बात याद रख लीजिएगा। लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद एन अल्कोहल। ओके, चलिए आगे। फैटी एसिड क्या है? अभी हम लोगों ने बात करी कि लिपिड्स क्या है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद एन एल्कोहल। तो फैटी एसिड क्या, अब ये बात मन में आती है। फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू एन आर ग्रुप। आर ग्रुप हाइड्रोकार्बन चेन, कार्बन 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 कार्बन, उनसे लगे हुए हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन चेन, और आखिरी में COOH ग्रुप। फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू एन आर ग्रुप, आर हाइड्रोकार्बन चेन। द आर ग्रुप कुड बी अ मिथाइल, आर ग्रुप मिथाइल हो सकता, R ग्रुप मिथाइल भी हो सकता है और इथाइल भी हो सकता है, और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप भी हो सकता है। ठीक, वन कार्बन से एक से लेकर 19 कार्बन तक R ग्रुप कुछ भी हो सकता है। एक कार्बन वाला मिथाइल भी हो सकता है, दो कार्बन वाला इथाइल, या हायर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, पामेटिक एसिड इज मोस्ट कॉमन सैचुरेटेड फैटी एसिड। एग्जांपल के तौर पर पामेटिक एसिड की बात कर रहा, जो कि हमारा मोस्ट कॉमन सैचुरेटेड एसिड है। पामेटिक एसिड हमारा मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन सैचुरेटेड फैटी एसिड है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अभी आपको आगे समझ में आएगा हम लोग किसको बोलते हैं। एनिमल्स में मिल रहा है, प्लांट्स में मिल रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मिल रहा है। फैटी एसिड कौन सा? पामेटिक एसिड, जो सबसे ज़्यादा मिलने वाला मोस्ट कॉमन सैचुरेटेड फैटी एसिड है। 16 कार्बन एटम है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लाइन इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, ऐसे ही आपकी NCERT की लाइन है। पामेटिक एसिड मोस्ट कॉमन मिलने वाला, सबसे ज़्यादा मिलने वाला सैचुरेटेड फैटी एसिड है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 16 है, इंक्लूडिंग COOH। ओके, इंपॉर्टेंट है ये लाइनें, रख लीजिएगा। एराकिडोनिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। कार्बोक्सिलिक कार्बन को मिला के 20 इसमें कार्बन एटम है। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब एराकिडोनिक एसिड मोस्ट अनसैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जिसमें 4 डबल बॉन्ड है। ये आगे अभी आपको क्लियर होगा क्या बात कर रहा हूँ मैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो है जिसके ये हाइड्रोकार्बन चेन में डबल बॉन्ड होगी, और सैचुरेटेड फैटी एसिड वो है जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होगी। तो C ऐसे होगा, वो कहेगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और किसी फैटी एसिड की ये हाइड्रोकार्बन चेन में अगर दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा। एराकिडोनिक एसिड में 4 जगह डबल बॉन्ड होते हैं, 20 कार्बन एटम से बना है, 20वां कार्बन एटम बट नेचुरल है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होगा। फैटी एसिड्स आर द सिंपलेस्ट लिपिड। फैटी एसिड सिंपलेस्ट लिपिड है, ये ऐसा NCERT की लाइन बोलती है। वैसे आप किसी भी हार्ड बुक्स में पढ़ेंगे तो लिपिड के लिए जो बोला गया है, फैटी एसिड और एल्कोहल के संयोजन से बनता है, लेकिन अपनी NCERT में उसने फैटी एसिड को भी बताया है कि ये सिंपलेस्ट लिपिड है। ठीक, एराकिडोनिक एसिड एंड पामेटिक एसिड हैज हाउ मैनी कार्बन एटम्स इन देम। तो एराकिडोनिक एसिड में 20 और ये पामेटिक एसिड में 16।
तो सी आंसर हो जाएगा। कि ऐसे ही बिल्कुल सिंपल से आजकल क्वेश्चन आते हैं, एराकिडोनिक एसिड और पामेटिक एसिड में आपसे नंबर पूछ रहा कार्बन एटम का। फैटी एसिड्स क्या है भाई? फैटी एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड हैविंग हाइड्रोकार्बन चेन दैट एंड्स इन अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हाइड्रोकार्बन चेन है, ऑर्गेनिक एसिड है, फैटी एसिड, और आखिर में क्या होगा? सी ओ ओ एच ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो फिर से देख लीजिए, हाइड्रोकार्बन चेन और आखिरी में आके सी ओ ओ एच, ये हो जाएगा आपका क्या? फैटी एसिड। तो यहाँ यहाँ लगा दीजिए एच 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 एच। तो हाइड्रोकार्बन चेन्स में भी स्ट्रेट और इन रिंग स्ट्रक्चर सेम चेन में हो सकते हैं या रिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, एंड सेम टाइम्स में प्रोजेस हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप और कभी कभी हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकता है। प्लांट्स हैव द बायोसिंथेटिक मशीनरी टू सिंथेसाइज और मैन्युफैक्चर ऑल टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। एनिमल आल्सो हैव द मशीनरी बट मे मैनी एनिमल्स लैक द मैकेनिज्म टू सिंथेसाइज थ्री फैटी एसिड, लिनोलिक, लिनोलिनिक, एराकिडोनिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपकी एनसीईआरटी की लाइनें नहीं है तो जरा सा एक वही एनसीईआरटी की लिपिड वाले उस पर जरा सा लिख लीजिए, लिनोलिक, लिनोलिनिक, एराकिडोनिक एसिड। लिनोलिक में दो कार्बन, दो डबल बॉन्ड है, लिनोलिनिक में तीन डबल बॉन्ड है, एराकिडोनिक एसिड में चार डबल बॉन्ड है। और ये ऐसे फैटी एसिड हैं जो एनिमल्स नहीं बना पाते, तो दीज आर कॉल्ड इसेंशियल फैटी एसिड। इसीलिए इनको अनिवार्य फैटी एसिड बोला जाता है, बिकॉज इट शुड बी सप्लीमेंटेड बाय फूड, क्योंकि इनका फूड में होना जरूरी है। जब हम जो चीज़ बना नहीं पा रहे, पेट्रोल हमारे यहाँ नहीं है तो हमें गल्फ कंट्री से मंगाना पड़ेगा। इसी तरह से जो हमारी बॉडी अगर किसी फैटी एसिड को नहीं बना पा रही है तो बट नेचुरल है कि उसको आपको फूड के सप्लीमेंट पे मिलना चाहिए। इसेंशियल फैटी एसिड कैन बी फाउंड इन मोस्ट एडिबल ऑयल्स लाइक सनफ्लावर, कॉटन सीड, कोकोनट ऑयल। इसेंशियल फैटी एसिड किस में मिलना है? ज़्यादातर एडिबल ऑयल्स जो हम लोग खाद्य पदार्थ लेते हैं, खाद्य तेल, किससे? सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर सूरजमुखी, कॉटन सीड, कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर और कॉटन सीड ऑयल में आपको ये इसेंशियल फैटी एसिड मिलना है। एंड इसेंशियल फैटी एसिड इस, अब इनमें से इसेंशियल फैटी एसिड कौन सा? सीधी सी बात है, एराकिडोनिक एसिड है, अभी हम लोगों ने बात करी, एराकिडोनिक एसिड इज इसेंशियल फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड इनमें से कौन है? तो ओलिक एसिड हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। सैचुरेटेड फैटी एसिड हैव सिंगल बॉन्ड एंड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। स्टीरिक एसिड, सॉरी, पिछली स्लाइड पर चलिए। ओलिक एसिड अनसैचुरेटेड है, मोनो अनसैचुरेटेड है, स्टीरिक एसिड हमारा सैचुरेटेड है, स्टीरिक एसिड हमारा सैचुरेटेड है। हाँ जी, सैचुरेटेड फैटी एसिड हैव सिंगल बॉन्ड एंड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। स्टीरिक एसिड इज सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड इट हैज सिंगल कार्बन बॉन्ड्स। इट हैज 18 कार्बन विद केमिकल फार्मूला C18H36O12, C18H36O2, ये इसका इंपेरिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है किसका? स्टीरिक एसिड का, C18H36O2, स्टेरिक एसिड, जो हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें भी इट कैन बी प्रोड्यूस बाय सपोनिफिकेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड का सपोनिफिकेशन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो भी आपको मैंने गलती से गलत बता दीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा। अब फैट इज फॉर्म व्हेन थ्री फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। फैट कब बनता है? फैट और सिंपल लिपिड जिसको हम लोग बोलते हैं, जब ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल क्या है? CH2OH, CHOH और CH2OH, ये है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं C3H8O3, C3 1 2 3 H8, 2 2 4 1 5 6 7 8, 2 CHOH, 8 C3H8O3, C3H8O3, ये हमारा क्या है भाई? ट्राई, ये हो जाएगा हमारा ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक। फैटी एसिड्स, फैट्स इन द बॉडी आर ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोर्ड एज ट्राइग्लिसराइड, हम लोग की बॉडी में जो मिल रहा है ट्राइग्लिसराइड्स मिल रहे हैं। तो फैटी एसिड, जब तीन फैटी एसिड्स का एस्टरीफिकेशन हो जाता है ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ, CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक है जी, CH2OH, उसमें से H निकल जाएगा, CHOH, H निकल जाएगा, CH2OH, H निकल जाएगा, और यहाँ जो फैटी एसिड R1COOH, उससे निकलेगा OH, इससे निकलेगा H, क्या बन जाएगा? एक मॉलिक्यूल
निकल जाएगा वाटर का। इसी तरह से R2COOH, ये हमारा फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड मॉलिक्यूल, तो H तो जा रहा इससे, OH जा रहा इससे, ठीक, एक मॉलिक्यूल फिर निकल गया H2O का, ये हो रहा है कार्यक्रम। तो फैटी एसिड, जब तीन फैटी एसिड ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ एस्टर फॉर्मेशन करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बनता है, बस इतनी सी बात ध्यान रख लीजिए, आपका काम चलेगा। नंबर ऑफ फैटी एसिड रेसिड्यूज फाउंड इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सिंपल फैट, कितने, तीन। ट्राइग्लिसराइड को हम लोग सिंपल फैट बोलते हैं। फैटी एसिड्स आर ऑफ टू टाइप, फैटी एसिड्स की बात हो रही थी, फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हो सकते हैं विदाउट डबल बॉन्ड इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन, और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं विद वन और मोर डबल बॉन्ड इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन। मोस्ट कॉमन सैचुरेटेड फैटी एसिड इज पामेटिक एसिड, अभी बात करी हम लोगों ने, C16H32O2, C13CCH3CH2 2 होल पावर 14, COOH, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है पामेटिक फैटी एसिड के फार्मूले को, C16H32O2 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, COOH, इट हैज 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऐसे रट लीजिएगा, बिल्कुल ये लाइन है, पूछा जा सकता, ठीक। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट जो होगा लोअर होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड से। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, दीज आर दोज विच हैव सिंगल डबल बॉन्ड इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन। पॉली अनसैचुरेटेड प्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें उनकी डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड दो एक जगह से ज़्यादा जगह पे हो, हाइड्रोकार्बन चेन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मिलना पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। लिनोलिक 18 कार्बन एटम से बना है, लिनोलिनिक 18 कार्बन एटम से, एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन एटम है, ये हाईफाई बात है, यह आप याद रखना चाहो तो रखो वरना कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, पूछा नहीं जाता, बस आप इतना याद रख लो कि लिनोनिक लिनोलिनिक और एराकिडोनिक एसिड, लिनोलिक लिनोलिनिक एराकिडोनिक एसिड 18 18 20, दो कार्बन डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड, चार डबल बॉन्ड, इसमें दो डबल बॉन्ड है, इसमें तीन डबल बॉन्ड है, इसमें चार डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड 9 पोजीशन कार्बन पे, 12 पोजीशन कार्बन पे, 9 12 15 पे, 5 8 11 14 पे, तो ये आपका थोड़ा सा हाईफाई बात है, पूछा ना जाएगा उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर आप याद कैरी करना चाहो कर सकते हैं। मोस्ट प्लांट लिपिड्स हैव अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स व्हाइल मोस्ट एनिमल लिपिड्स हैव सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसीलिए सैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसीलिए सैचुरेटेड फैटी एसिड आपको रूम टेम्परेचर पे सॉलिड मिलते हैं जिसको हम लोग फैट बोलते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मेल्टिंग पॉइंट बिलो हल्का होने के कारण, नीचे होने के कारण ये रूम टेम्परेचर पे भी आपको लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ फैटी एसिड इज हाइड्रोफिलिक एंड वाटर सोल्युबल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप फैटी एसिड का हाइड्रोफिलिक है वाइल रेस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक, और बाकी की जो चेन है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाइड्रोफिलिक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाइड्रोफिलिक वाटर को पसंद करने वाला, जबकि बाकी का हिस्सा जो है वो पानी से डरने वाला हाइड्रोफोबिक है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिपिड इज, अभी हम लोगों ने बात करी सिंपल लिपिड क्या है, उसने बोला जी सिंपल लिपिड हमारे फैटी एसिड हमारे सिंपल लिपिड है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल CH2OH, अभी हम लोगों ने बात करी है ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, तो C3H8 में क्या हुआ है, तीन जगह हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, OH ग्रुप आ गया, तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं CH2OH CH2OH CH2OH। मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, बहुत सारे लिपिड मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें ग्लिसरॉल भी मिलेगा फैटी एसिड भी मिलेगा। हेयर द फैटी एसिड्स आर फाउंड एस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल, इसमें आपको फैटी एसिड मिलेगा ग्लिसरॉल के साथ, एस्ट्रीफिकेशन एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, दे कैन बी मोनोग्लिसराइड डाइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड। अब डिपेंडिंग अपॉन कि इसमें ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ कितने फैटी एसिड ने एस्ट्रीफिकेशन किया है, उस बेसिस पे ये मोनोग्लिसराइड, अगर एक फैटी एसिड ने एस्ट्रीफिकेशन किया, दो ने किया डाइग्लिसराइड, तीन ने किया ट्राइग्लिसराइड। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज फैट्स एंड ऑयल बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, गिजली ऑयल तिल का तेल जिसको बोलते हैं, एंड हेंस रिमेन लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहेगा क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट नीचे है,
डिपेंडिंग अपॉन किस फिजिकल स्टेट में वो रूम टेम्परेचर पे है, लिपिड्स को हम लोग फैट्स और ऑयल बोलते हैं, वो लिपिड जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, बिलो लो है, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहेंगे उनको हम लोग ऑयल बोलेंगे, और वो लिपिड जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में रहेंगे उनको हम फैट बोलेंगे। सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस एंड अ फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, कुछ लिपिड्स में फास्फोरस साथ में अटैच हो जाएगा तब हम फास्फोलिपिड बोलेंगे, दीज आर फास्फोलिपिड, दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। फास्फोलिपिड कहाँ मिलना है, सेल मेम्ब्रेन में, लेसिथिन इज वन एग्जांपल, लेसिथिन इसका एक एग्जांपल है। सम टिश्यू स्पेशली द न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और न्यूरल टिश्यू में आपको लिपिड और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। एस्टर फॉर्मेशन क्या होता है ये समझ लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, आपकी बुक में एनसीईआरटी में नहीं है। एस्टर फॉर्मेशन बिटवीन एल्कोहल एंड फैटी एसिड विद एन एलिमिनेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, आर सी ओ ओ एच, ओ एच ग्रुप इससे निकल रहा, आर ओ एच सी एच टू ओ एच से एच निकलेगा, एच इससे निकल रहा, तो क्या निकल गया, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और ये बन गया एस्टर, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर वन और आर टू, ठीक है जी, आर वन सी ओ ओ एच था, ओ एच इससे निकल गया तो क्या बचा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर वन सी डबल बॉन्ड ओ, और इसके साथ क्या जुड़ रहा, आर टू ओ एच, आर टू ओ एच से एच जा रहा केवल, तो इसके साथ ओ आर टू, अब ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा लिपिड, और एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बीच में एस्टर बॉन्ड हो गया, ये वाला एस्टर बॉन्ड है, तो लिपिड इज एन एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद एन एल्कोहल, ये एस्टरीफिकेशन, एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है जी, याद रख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ देखिए, लिपिड का ये बना हुआ है हमारा सी एच टू ओ एच सी एच ओ एच सी एच टू ओ एच, ये क्या बना, ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच और सी एच ओ एच, अब इसके साथ अगर एक फैटी एसिड जुड़ रहा तो ये मोनोग्लिसराइड बन गया, आर वन सी ओ ओ एच निकल गया, ओ एच इसका निकल गया और H इसका निकल गया, H2O का मॉलिक्यूल एक निकल गया, CH2O, ये इतना हिस्सा बचा CH2O, उसके आगे R1CO, तो ये मोनोग्लिसराइड है। अगर दो जगह एस्टरीफिकेशन हो जाएगा तो डाइग्लिसराइड, तीन जगह एस्टरीफिकेशन हो जाएगा तो ट्राइग्लिसराइड, अब ये ट्राइग्लिसराइड बनने जा रहा, ये देखिए मोनोग्लिसराइड, एक जगह एस्टरीफिकेशन, दो जगह एस्टरीफिकेशन डाइग्लिसराइड, तीन जगह एस्टरीफिकेशन ट्राइग्लिसराइड, अब इसमें एक जगह अगर फॉस्फेट जुड़ जाए, फैटी एसिड हट जाए तो वो फॉस्फोलिपिड कहलाता, ठीक है, ग्लिसरॉल थ्री फैटी एसिड के साथ जब जुड़ रहा, ट्राइग्लिसराइड और वाटर, तीन मॉलिक्यूल H2O निकल गए, तीनों जगह एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा, ये देखिए ये एक रिएक्शन हो रहा इनके बीच में, एस्टर बॉन्ड बन रहा, ये दूसरा रिएक्शन हो रहा, एस्टर बॉन्ड बन रहा है, फिर से एक बार कर दूँ, अलग अलग लाइन अलग अलग उससे कर दूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो, आर सी ये एक है, ठीक है जी, और ये दूसरा है, एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन जो कर रहा, और ये तीसरा, ओ एच इससे निकल जाएगा, एच इससे निकल जाएगा, ओ एच इससे निकल जाएगा, एच इससे निकल जाएगा, यहाँ पे इसने दिखाई है, ये तीन जगह अगर एस्टरीफिकेशन हो गया तो ट्राइग्लिसराइड बन गया, तीन मॉलिक्यूल H2O निकल गए। अब कुछ बातें याद रखने की, एराकिडोनिक एसिड है 20 कार्बन, पॉलीअनसैचुरेटेड है, चार जगह डबल बॉन्ड है, 5, 8, 11, 14 पे, बट इट कैन बी सिंथेसाइज थ्रू द लिनोलिक इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में लिनोलिक एसिड से ये बन सकता है, हालांकि बाहर से इसकी ज़रूरत होती है। पामेटिक एसिड 16 कार्बन एटम है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, मोस्ट कॉमन है, लिनोलिक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसेंशियल फैटी एसिड है, लिनोलिक और लिनोलिक में दोनों में 18 कार्बन एटम है जबकि इसमें 20 है। ओलिक एसिड इज 18 मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओलिक एसिड 18 कार्बन कंटेनिंग मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये लाइनें याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन फंस जाएगा। द मोस्ट एसेंशियल ऑफ फैटी एसिड तीन थे हमारे, लिनोलिक, लिनोलिनिक और हमारा एराकिडोनिक एसिड, ये एसेंशियल नहीं है, ये एसेंशियल नहीं है, मोस्ट एसेंशियल कौन सा है, लिनोलिक है, क्योंकि अगर ये आ जाए बॉडी में तो ये बाकी के दो बना सकता, तीनों में से मोस्ट एसेंशियल कौन, लिनोलिक। फॉस्फोलिपिड्स पे आ जाइए तो दो जगह देखिए डाइग्लिसराइड और तीसरी जगह CH2OH, अब उससे क्या जुड़ गया, फॉस्फेट, तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा फॉस्फोलिपिड। दीज आर द ट्राइग्लिसराइड लिपिड वेयर वन फैटी एसिड इज रिप्लेस बाय, अगर यहाँ पे ये सब भूल जाओ, इसको भूल जाओ यहाँ पे और लगा दो आप क्या, एक और लगा दो हमारा फैसी R3,
तो अगर आर थ्री सी ओ ओ एच, ओ एच निकाल दो, ये बचा, उसके साथ एसिडिफिकेशन हो जाए तो ट्राइग्लिसराइड था, वो कह रहा जी ट्राइग्लिसराइड में एक ग्लिसराइड एक निकल गया फैटी एसिड, उसको किसने रिप्लेस कर दिया, फॉस्फोरिक एसिड ने, H3PO4। ये आगे की एक लाइन और दिखा रहा, उसके आगे की H3PO4 क्या होता है, P डबल बॉन्ड O, OH, 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 P डबल बॉन्ड O, OH, 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 ठीक। अब RCOOH क्या दे रहा था, OH दे रहा था, तो ये अब OH दे देगा, OH इसका गया, H यहाँ से चला गया, एस्टर बॉन्ड इनके बीच में भी बन गया, तो ये देखिए P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH कर लीजिए, और इसके आगे अब उसका एक कदम आगे दिखा दिया, पहले इसको भूल जाओ, इसके आगे पहले OH ही लिख लो। ये क्या है जी, ये है हमारा फास्फोलिपिड। अब फास्फोलिपिड से जब कोलीन मॉलिक्यूल अटैच हो जाता तो ये लेसिथीन बनाता, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, थोड़ी देर धूप में बैठना कल दिन में। हो सुनो, ट्राइग्लिसराइड अगर इसके आगे, ये सारी बातें भूल जाओ, एक पहले आप इमेजिन करो कि यही R3CO लगा, ट्राइग्लिसराइड हो गया, अब उसको हटा दो ट्राइग्लिसराइड, उसकी जगह जोड़ दो फॉस्फेट। अब इसको फिर से छुपा देता हूँ मैं, अभी इसको ना जोड़ो, कोलीन ये है, कोलीन ना जोड़ो अभी, अभी समझो आपने फॉस्फेट जोड़ा, P डबल बॉन्ड O, OH, 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 OH इससे चला जाएगा, H यहाँ से जाएगा, तो इसके आगे की जो कहानी है, अब उसके आगे ये फॉस्फेट ग्रुप आप यहाँ पे प्लेस कर लो, अब उसमें से ये OH रिमूव कर दो, प्लेस करने के बाद फॉस्फोलिपिड से, और इसके आगे लगा दो हमारा क्या, इसके आगे कोलीन का मॉलिक्यूल, ओ सी एच टू सी एच टू, ये ओ इसी के साथ का है, सी एच टू सी एच टू एंड सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री, ये कोलीन का मॉलिक्यूल है, सी एच टू सी एच टू एंड सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री, सी एच टू सी एच टू एंड सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री, ये कोलीन लगा दो इसके आगे, अब तो ये बन गया लेसिथीन, ये कोलीन, ओके, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर आपको समझा दिया, फास्फोलिपिड का, फिर फास्फोलिपिड से आप अटैच कर दो कोलीन, तो फास्फोलिपिड प्लस कोलीन लेसिथीन, और फॉस्फेटी फॉस्फेटी डाइल कोलीन, फॉस्फेटी डाई कोलीन, इसको अगर रटना चाहो वैसे ही पूछा नहीं जाएगा, फॉस्फेटी डाई कोलीन, लेसिथीन ही रट लो, वही काफ़ी है आप लोग के लेवल के लिए। फास्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक, एम्फी का मतलब दोनों तरह के, दोनों चीज़ों को पसंद करने वाले, कैरिंग, दोनों चीज़ों को धारण करने वाले, हाइड्रोफिलिक पोलर हेड भी है और हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर ग्रुप भी है, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग भी है और वाटर हेटिंग भी है। मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, पहले भी ये बात हो चुकी है, द फैटी एसिड आर फाउंड एसिटिफाइड विद ग्लिसरॉल, बात हो चुकी, दे कैन बी मोनोग्लिसराइड डाइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड, रिपीट हो गया पूरा, हटाओ, दे आर कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल बेस्ड ऑन द, हो चुकी बात, आगे चलो। सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस एंड अ फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, दीज आर कॉल्ड फॉस्फोलिपिड, ये पहले ही बात हो चुकी, फॉस्फोलिपिड क्या होता है, फॉस्फोलिपिड हमारे डाइग्लिसराइड और उसमें फॉस्फेट मॉइटी अटैच हो गई, दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, लेसिथीन इज वन एग्जांपल, लेसिथीन का एग्जांपल फिर से आया है, कोई जरूरत नहीं है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। सिफेलिन पे आइए, द मेजर सिफेलिन और लेसिथीन दोनों को पढ़ना है, द मेजर मेम्ब्रेन लिपिड आर अ क्लास ऑफ फॉस्फोलिपिड फाउंड इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, तो सिफेलिन सबसे ज़्यादा मिलने वाला मेम्ब्रेन में मिलने वाला लिपिड का एक टाइप है, फॉस्फोलिपिड की एक क्लास है जो मेम्ब्रेन के लिपिड में मिलती है सिफेलिन, इट कैन मेनली बी फाउंड इन द इनर लीफलेट ऑफ लिपिड बाइलेयर, अंदर की तरफ मिलेगी, साइटोप्लाज्म की तरफ मिलेगी, तो कोई बायो मेम्ब्रेन जो बन रही है बाहर की तरफ क्या होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म की तरफ सिफेलिन होता है, ये बात कह रहा है, थोड़ी सी हाई फाई बात है, आपको बाउंस हो गई होगी, छोड़िए मत पंगे में लगिए, याद रख लीजिए कि सिफेलिन आपको बायो मेम्ब्रेन में मिलने वाला लिपिड का सबसे कॉमन एग्जांपल है, ये है सिफेलिन, लेसिथिन नहीं, ये है सिफेलिन, ठीक है जी। उसमें क्या था, सी एच टू सी एच टू एन, एन के आगे एच सी एच टू सी एच टू एन सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री, इसमें एन एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री हो जाएगा तो कोलीन हो जाएगा, इसमें सी एच टू सी एच टू एन, एन के साथ एच थ्री, एन के साथ तीन जगह एच लगे हुए हैं और उसमें सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री लगे हुए हैं कोलीन में, तो कोलीन मॉलिक्यूल जब इससे लगेगा
फास्फोलिपिड डायग्लिसराइड से, फास्फोलिपिड से, तो बनाएगा लेसिथीन, और इसकी जगह कोलीन की जगह CH2 NH3 लग गया तो ये बना रहा है सिफेलिन। सिफेलिन और लेसिथीन में ये केमिकल फार्मूले का फर्क है। इन सेल्स सिफेलिन आर फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स, इन ह्यूमंस कहना चाहिए, सिफेलिन फाउंड ऑल लिविंग सेल्स कंप्राइजिंग 25% ऑफ ऑल फास्फोलिपिड इन ह्यूमन फिजियोलॉजी, दे आर फाउंड पर्टिकुलरली इन नर्वस टिश्यू सच एज व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन, नर्व्स, न्यूरल एंड स्पाइन कॉर्ड, वेयर दे मेक अप 45% ऑफ ऑल फास्फोलिपिड। तो सिफेलिन जनरली आपको कहाँ मिल रहा है, नर्वस टिश्यू में मिल रहा, ये बात याद रख लीजिए। सिफेलिन आपको कहाँ मिल रहा, सिफेलिन फास्फोलिपिड का टाइप है जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड मिलता है उसमें मिल रहा है, और ज़्यादातर आपको व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन नर्व्स में मिल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में मिल रहा है, इतना याद रख लीजिएगा। नर्वस टिश्यू से रिलेटेड है सिफेलिन। डिफरेंस बिटवीन लेसिथीन एंड सिफेलिन इज दैट लेसिथीन इज द प्रिंसिपल फास्फोलिपिड इन एनिमल, इट इज़ पर्टिकुलरली अबंडेंट इन एग योक, एग योक में मिलता है आपको ज़्यादातर क्या, लेसिथीन। इट इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन व्हाइल सिफेलिन इज अ फास्फोलिपिड पर्टिकुलरली फाउंड इन सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू, लेकिन सिफेलिन आपको नर्वस टिश्यू में मिल रहा है। तो लेसिथीन आपको कहाँ मिल रहा है, इसी तरह से लेसिथीन सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है, एल्वियोलाई के ऊपर कवरिंग बनाता है और इसका सरफेस एरिया का कम कर देगा, सरफेस एरिया का सरफेस टेंशन कम कर देने की वजह से एल्वियोलाई जो है डिस्टेंडेंट रहेंगे, फूले रहेंगे, और अगर एल्वियोलाई बच्चा पैदा हुआ लेसिथीन नहीं है तो वो चोक होकर मर भी सकता। इट इज़ ऑल्सो द प्राइमरी फास्फोलिपिड इन बैक्टीरिया। तो सिफेलिन और लेसिथीन दोनों के मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है, ये हमारा डायग्लिसराइड, डायग्लिसराइड के साथ लगा हुआ है CH2 CH2 N N के आगे अगर HHH लगे सिफेलिन हो गया, N के आगे अगर CH3 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 लगे तीन जगह तो इतना हिस्सा हो गया कोलीन, और ये फास्फोलिपिड फिर हमारा बना देगा लेसिथीन। सिफेलिन और लेसिथीन, सिफेलिन किस में मिल रहा है, न्यूरल टिश्यू में मिल रहा है, लेसिथीन कहाँ मिल रहा है, एग योक में मिल रहा है, इतनी बातें याद रख लीजिए, काम आपका फंडे कहाँ चलेगा। सिफेलिन एंड लेसिथीन आर क्या है, फास्फोलिपिड्स हैं। डिराइव्ड लिपिड्स आर आइदर, अब हम लोग आ रहे हैं डिराइव्ड लिपिड पे, ये आपकी बुक में बिल्कुल इसके बारे में बात नहीं हुई, थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। डिराइव्ड लिपिड आर आइदर लिपिड लाइक केमिकल्स और डेरिवेटिव ऑफ लिपिड, या तो लिपिड की तरह के केमिकल्स हैं या लिपिड से डिराइव हो रहे हैं, लिपिड से निकल रहे हैं। एग्जाम्पल है टर्पीन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिंस, बस इतना याद रख लीजिए, टर्पीन्स और प्रोस्टाग्लैंडिंस। डिराइव लिपिड्स आर द सब्सटेंसेज डिराइव फ्रॉम द सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड बाय हाइड्रोलिसिस, सिंपल लिपिड का आपने कर दिया हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, लिसिस कर दी, हाइड्रोलिसिस कर दिया तो मिल जाएंगे आपको डेरिवेटिव ऑफ लिपिड। दिस इंक्लूड फैटी एसिड, ये फैटी एसिड्स हो सकते हैं, एल्कोहल हो सकते हैं, मोनोग्लिसराइड हो सकते हैं, डाइग्लिसराइड हो सकते हैं, स्टीरॉयड्स हो सकते हैं, टर्पीन्स हो सकते हैं। द मोस्ट कॉमन डिराइव लिपिड स्टीरॉयड टर्पीन्स एंड कैरोटीनॉइड, स्टीरॉयड कैरोटीनॉइड एटसेट्रा। स्टीरॉयड भूल जाइए, आपको आखिरी में कन्फ्यूज नहीं करूँगा, दिन कम बचें, स्टीरॉल कोलेस्ट्रॉल छोड़ो। द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद एन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या हो जाएगा, डिराइव्ड लिपिड हो जाएंगे, अगर हाई फाई चलो आगे। कोलेस्ट्रॉल छोड़ो, बाइल सॉल्ट छोड़ो, फैट छोड़ो। द बायोमोलिक्यूल मेड अप ऑफ ओनली कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिपिड होते हैं। सेल टिश्यू मस्कुलर टिश्यू होता है जिसमें बॉडी कंटेन एवरेज 18.5% प्रोटीन एंड 3% लिपिड, मसल टिश्यू। द हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, फैटी एसिड मिलेंगे, ग्लिसरॉल मिलेंगे। मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड कौन से हैं, एम्फीपैथिक टाइप के, उसमें हाइड्रोफिलिक हेड भी है, हाइड्रोफोबिक टेल भी है। चूज द ऑड वन विद रेफरेंस टू द पॉलीमर, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, न्यूक्लिक एसिड, ये तीनों वास्तविक पॉलीमर हैं, लिपिड हमारा वास्तविक पॉलीमर नहीं है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन लिपिड मॉलिक्यूल इज ऑलवेज लेस एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड अमीनो एसिड, यही इनकरेक्ट है, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम कंटेन नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन सैचुरेटेड फैटी एसिड इज पामेटिक एसिड, ठीक बात है। स्टीरोइड्स आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉमनली फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन एंड एनिमल हार्मोन, ठीक बात है, सेल मेम्ब्रेन नहीं एनिमल हार्मोन, सही है। न्यूट्रिएंट्स दैट सप्लाई एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, तो फैट्स होते हैं जो एनर्जी सप्लाई करते हैं। लिपिड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। पूछ रहा है विच लिपिड इज रिप्रेजेंटेड, NH3 है तो ये क्या हो गया, सिफेलिन और लेसिथीन, सिफेलिन हो गया। लेसिथीन में यहाँ पे N के साथ अगर CH3 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 लगा होता तब लेसिथीन हो जाता, ये किसका है, सिफेलिन का, ठीक है जी। ये देख लीजिए, यहाँ फिर से देख लीजिए, सिफेलिन यहाँ पे अगर ये NCH2CH2 NCH3CH3CH3 होता तो लेसिथीन होता, लेसिथीन एग योक में ज़्यादा मिल रही, सिफेलिन किस में, न्यूरल टिश्यू में,
याद रख लीजिएगा, हाई फाई बात है, आ गया तो आप मुझे ढूंढोगे। विच बायोमोलिक्यूल इज करेक्टली कैरेक्टराइज लेसिथिन फास्फोलेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन? ठीक है, पामेटिक एसिड 16 कार्बन कंटेनिंग है, एडिनाइलिक एसिड एडिनोसिन विद ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल, एडिनोसाइन विद ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल, विद ग्लूकोज नहीं होती, पेंटोज शुगर होती है। एलानिनिक अमीनो एसिड कंटेन्स एन अमाइनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एनी वेयर इन द मॉलिक्यूल, एनी वेयर इन द मॉलिक्यूल नहीं, अल्फा कार्बन पे ये लोग होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स आगे ये चलिए हटाइए, द सब्सटेंस में एक हटाइए, तो ये आके आपका लिपिड ख़त्म हुआ। लिपिड्स को पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आपके कुछ लगवा दिए हैं और इनके फैटी एसिड से ही रिलेटेड क्वेश्चन वो फंसाएंगे, देख लीजिएगा। सिफेलिन लेसिथिन देख लीजिएगा, फास्फोलिपिड देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आशा करता हूँ आप लोग को आनंद आया होगा। टिल देन गुड लक, गुड बाय। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को ऐसे ही एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलता हूँ बहुत जल्दी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।